नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति निधि कॉलेज। आज आपको कंप्यूटर के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आपको नंबर सिस्टम बताएंगे, जो आपके विभिन्न प्रकार की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। आप जैसे सुपर टेट देते हैं तो आपको उसमें कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन मिलते हैं। इसी प्रकार आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती भरेंगे तो उसमें भी आता है, नेट की परीक्षा में भी आता है। तो आज आपको हम विभिन्न प्रकार के जो नंबर सिस्टम है वो आपको बता रहे हैं। तो आप नंबर सिस्टम देखिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। नंबर सिस्टम की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं नंबर क्या होता है। पहले के लोग जो क्या करते थे, हाथ से ऐसे नापते थे, गिनते थे, लकड़ी के कपड़ों से गिनते थे, लकड़ियों से गिनते थे, गोली से गिनते थे, कंकड़ से गिनते थे। बहुत सारे सिस्टम तो पुराने जमाने के थे, परंतु आज दिन बदल गए हैं। तो नंबर सिस्टम के अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है जीरो। और जीरो को आपने सुना होगा कि सबसे पहले हमारे भारतीय जो है वैज्ञानिक कहे, एस्ट्रोनॉमर कहे और गणितज्ञ कहे, तो उन्होंने आर्यभट्ट जो थे उन्होंने जो है सबसे पहले जो है जीरो दिया था। अब नंबर सिस्टम की बात की तो 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा आपको पता है बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, तीसरा जो है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, और चौथा बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। ये 4 प्रकार के नंबर सिस्टम है जिनका जो है यूज किया जाता है गणित में और कंप्यूटर में यूज किया जाता है। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं आपका डेसिमल नंबर की, तो डेसिमल नंबर में डेसिमल माने 10। तो यहाँ पर 10 नंबर की जब बात करते हैं तो जीरो को काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 नंबर जो है डेसिमल नंबर कहलाते हैं। और इन्हीं डेसिमल नंबर को जो है नंबर सिस्टम को बेस या रेडिक्स बोलते हैं, बेस या रेडिक्स बोलते हैं। और ये डेसिमल नंबर के आगे कोई नंबर लिखने के बाद बेस 10 कर देते हैं तो ये डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। और हर डेसिमल नंबर का अपना एक स्थानीय मान या फेस वैल्यू अलग अलग सबकी होती है। अब बात करते हैं दूसरी बाइनरी नंबर की, बात करते हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो बाइनरी नंबर को आप विशेष ध्यान से पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। बाइनरी नंबर और इसी को द्विधारी या द्वि अंकी पद्धति, हिंदी में द्विधारी या द्वि अंकी पद्धति कहते हैं। द्वि अंकी पद्धति में 2 अंक जिसमें 0 और 1। जानते हैं कि कंप्यूटर जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज 0 1 को कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। हमारी जो मशीनी भाषा है वो 0 1 है। मनुष्य तो कुछ भी भाषा बोल सकता है लेकिन कंप्यूटर जो है 0 1। तो ये बाइनरी कहलाता है और एक बाइनरी जो है 8 बिट से मिलकर बना होता है। तो सबसे जो छोटी जो है कंप्यूटर की भाषा होती है सबसे बिट होती है, बिट जो है बाइनरी। बाइनरी से आगे जो है आगे आपको पढ़ाया जा चुका है। तो अब आप बताते हैं कैसे ये, तो इसको जो है एक जो है कौन लेबनिन थे, जो गॉटफ्रेड लेबनिन थे, उन्होंने बाइनरी सिस्टम को खोजा था। उनका गॉटफ्रेड लेबनिन थे जो उन्होंने जो है बाइनरी डिजिट को 0 और 1 को बताया था। अब बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे और डेसिमल से बाइनरी कैसे चेंज करेंगे
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोई नंबर है, जैसे आप कोई नंबर आपको दे दिया गया 36 नंबर, इसका भी दिया गया ये डेसिमल नंबर है, अब इसको आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करिए। तो आपको हम बताते हैं कैसे आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई संख्या लिखते हैं, लिखने के बाद हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि बेस 10 है, जो बेस होगा उसी से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ बात करते हैं बेस 10 की, तो डिवाइड किया तो क्या इसमें हुआ कि सीधे 18 × 36, तो यहाँ पर कोई आपका रिमाइंडर नहीं बचा। अगर रिमाइंडर बचता है तो यहाँ पर हम रिमाइंडर लिख देते हैं, नहीं बचता है तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं। फिर 2 से भाग दिया तो 2 नहीं 18, फिर भी रिमाइंडर 0 बचा। अब फिर 2 से भाग देते हैं तो 2 × 4 = 8, तो 4 बार देखते हैं तो यहाँ पर 1 बच गया, 8 बार गया। फिर देखते हैं भाग 2 का तो 2 × 4, फिर जो है कोई रिमाइंडर नहीं बचा। फिर 2 से दिया तो 2 × 0 = 0, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो 2 × 1 = 1, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। फिर 2 से देंगे तब यहाँ पर 1 आपका आएगा। इस प्रकार से हम इसको जब कनेक्ट करते हैं तो इसको हम इसको नीचे से ऊपर की ओर, बॉटम से ऊपर की ओर लाते हैं, इसका क्या होगा, 100100। इसमें हमने क्या क्या 36 कर लिया। इसको एक दूसरा तरीका भी आपको हम बताते हैं कि आप सबसे सरल तरीका अपनाने का, और एक ट्रिकी भी, इसको ट्रिक भी कहते हैं, लिखने के लिए आपको सबसे बढ़िया 1 × 2 = 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 32 × 64 × 128 × 256 × 256। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो अब इसको आप नंबर जहाँ जहाँ पर मिले 36 में हमें क्या क्या चाहिए, तो 36 में सबसे पहले हमें 1 32 ले लें, तो 32 लेते हैं और 32 ले लें और 4 ले लें तो 36 हो जाएगा। तो जो नंबर आप लें उसको आप 1 कर दें, और जो नंबर नहीं है उसको आप 0। तो 32 से आपने लिया 1 लिया, 16 नहीं लिया, 8 नहीं लिया, 1 लिया और जो है ये नहीं लिया। तो इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा नंबर 100100, ये नंबर इसका हो जाएगा। तो जो इसका बाइनरी नंबर ये कहलाएगा। इसी प्रकार अब हम डिवीजन से देखते हैं, ये आप समझ लीजिए, पुनः समझा लेते हैं कि आप क्या करेंगे, 1 2 2 × 4 × 8 × 16 16 × 32 32 × 64 64 × 6 और 256, इसी प्रकार आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हमने जो डिजिट लिया, मान लीजिए हम दूसरी डिजिट लेते हैं, मान लीजिए आपने डिजिट लिया 125। अब 125 में हम क्या करते हैं, घर ले लें सबसे बड़ी संख्या ले लें 64, 64 के बाद 32 ले लें, अगर 64 32 कितना हो गया 8, यहाँ पर 6 हो गया और 6 × 3 = 9। और क्या ले रहे हैं, हम 16 भी ले सकते हैं, तो कितना हो गया 6 × 6 = 12 9 × 1 = 10 9 × 1 = 10 = 11 112 हो गया। और क्या ले, 1 8 ले लें तो कितना हो गया 120, तो फिर 4 1 ले लें और 1 1 ले लें, 1 से 125 हो गया। तो जो जो आप संख्या ले रहे हैं उसी को आप लिखते जाए। तो सबसे पहले आपने लिया 32, फिर आपने लिया 16, फिर आपने लिया 8, फिर आपने लिया 4 और 2 नहीं लिया, तो 2 की जगह 0 और 1। तो इस प्रकार ये
आपका 125 का बाइनरी हम 125 को कैसे भाग से डिवाइड करेंगे ये आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसका तरीका है आप 2 से भाग दें, तो 2 से भाग देने पर कितनी बार जाएगा, तो 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया, तो रिमाइंडर हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद फिर 2 से भाग दिया तो कितना गया, 2 तिरका 6 और 2 एकम 2, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। फिर आपने 2 को दिया तो क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि 2 तिरका 2 एकम 2 और 1 बचा, तो 2 पंचे 10 रिमाइंडर 1 बचा। फिर आपने 2 से भाग दिया तो क्या हुआ, 2 सत्ते 14 फिर 1 बच गया। फिर 2 से भाग दिया तो 2 तिरका 6 फिर भी 1 बच गया। तो अगर हम फिर 2 से देते हैं तो 2 दूनी 2 एकम 2, यहाँ भी 1 रिमाइंडर बच गया। फिर 2 से दिया तो यहाँ पर आपको और यहाँ पर 1 दिखना पड़ेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, जब करने के लिए सबसे बड़े ध्यान रख, बॉटम से टॉप की ओर चलेंगे तो 125 को हम कैसे बाइनरी में लिखेंगे, तो यहाँ से आया 1111101, ये संख्या को हम इसको ऐसे बाइनरी में डिलीट करते हैं, ये डेसिमल में है और ये बाइनरी में है। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे, तो यहाँ पर ये 125 का बाइनरी नंबर हुआ। अब आप लोग हमें होमवर्क में कुछ जो है बाइनरी नंबर लिखेंगे, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में डिजिट बाइनरी नंबर लिख कर देंगे, जैसे 129 का, 512 का, 1004 का आप बाइनरी नंबर लिख कर हमको भेजेंगे। आप बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए ये जो है इनको जो है जनदाता या प्रतिपादक कहा जाता है, बैट फिट या नीज थी। अब बात करते हैं बाइनरी नंबर हो गया, अब बाइनरी नंबर से बाइनरी को डेसिमल में कैसे बनाना है। जैसे कोई नंबर लिखा है 10101, अब इसको आपको डेसिमल में बनाना है, तो डेसिमल में बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या सिस्टम होता है, यहाँ से चलते हैं तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6 2 की पावर 7 2 की पावर 8, इस प्रकार से हम चलते जाते हैं। अब इसमें हम तो यहाँ से लेंगे, मान लीजिए आपने ये संख्या ली, तो यहाँ हम पहले इसको लेंगे, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 1 है तो 1 गुणते 2 की पावर 0, दूसरा लेंगे 0 गुणते 2 की पावर 1, तीसरे लेंगे तो 1 गुणते 2 की पावर 2, चौथा ने लिया 0 गुणते 2 की पावर 3 और चौथा लिया तो 1 गुणते 2 की पावर 4। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर निकाला तो इसका क्या हो गया, किसी की पावर 0 मतलब होता है, तो यहाँ पर एक लिए, अब इसका क्या हुआ, यहाँ पर 0 है तो 0 1 करेंगे तो इसका पावर 0 हो जाएगा, इसका 2 2 4 4 1 4, इसका 0 और इसका 2 2 4 4 2 8 8 2 16 हो गया, तो अब इसको टोटल 8 कर देंगे तो कितना हो, 16 4 20 21, तो ये प्रकार ये इसका संख्या 21 निकला। इसी प्रकार आप कोई दूसरा अंक आप लेकर करेंगे, करते हैं हम देखते हैं, मान लीजिए ये नंबर है 1111110 या कोई भी आप ये बाइनरी नंबर है इसको बनाना है, तो हम वही पद्धति बनाते हैं, 0 गुणते 2 की पावर 1 0, पहले 0 शुरू करते हैं, दूसरा 1 इंटू 2 की पावर 1, तीसरा 1 इंटू 2 की पावर 2, चौथा एक छूट गया है यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर ये आ गया 2 की पावर 3, और तीसरी अगर बात करते हैं तो 1 इंटू 2 की पावर 3, इसी के बाद
वन इंटू टू की पावर फोर, इसी को वन इंटू टू की पावर फाइव और वन इंटू टू की पावर सिक्स देखते हैं तो किसी तो आप देखेंगे यहाँ पर तो जीरो का करेंगे किसी मटीरियल का यहाँ पर आप जीरो लिखेंगे और ये वन का करेंगे तो यहाँ पर टू वन या टू यहाँ पर टू आएगा, यहाँ पर देखेंगे टू टू या फोर वन या फोर, यहाँ पर टू टू या सिक्स, टू टू या फोर, फोर टू या एट, यहाँ पर टू टू या फोर, फोर टू या एट टूटा सिक्सटीन, इसी प्रकार यहाँ पर तेईस और इसी प्रकार यहाँ पर चौसठ और दोनों को जब आप कंप्लीट करेंगे ये कैलकुलेशन कितना आएगा ये हमारी कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो इस प्रकार से आपने आज बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर दोनों को जाना। नेक्स्ट वीडियो में यह समय मिलता है आपको हम ऑक्टल नंबर और डेसिमल नंबर बताएंगे, हेक्टा डेसिमल नंबर बताएंगे, फिर भी आप उसको थोड़ा सा जानकारी कर ले जिस प्रकार से हम बाइनरी को डेसिमल को बाइनरी बनाते हैं बाइनरी डेसिमल उसी प्रकार सेम है। ऑक्टल में जैसे आप ऑक्टल है तो यहाँ पर टू यूज करते हैं तो उसकी जगह वहां पर बेस एट का यूज करेंगे, जैसे कोई नंबर है तो वहां पर बेस एट यूज करेंगे। और हेक्साडेसिमल में थोड़ा सा जीरो से नाइन तक जाएंगे, इसके बाद ए बी सी डी ई एफ, इसको ग्यारह बारह, इसको दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, यहाँ तक पंद्रह तक इसका नंबर होता है और उसका बेस जो है सिक्सटीन लिखा जाता है। तो ये आपके कोर्स में आना नहीं है ऑक्टल और डेसिमल, हेक्साडेसिमल बाइनरी टू डेसिमल आएगा, ये बड़े लोगों के लिए है। तो इस प्रकार से आपने बहुत कुछ समझा जाना, वीडियो को अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।